अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास डेंसिटी मैट्रिक्स इन माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स के बारे में है। फिर हम देखेंगे कि बेसिक पॉस्टुलेट जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हैं, दो पॉस्टुलेट्स वो कौन कौन से हैं, वो भी इसी टॉपिक के अंदर ही डिस्कस हो जाएंगे। प्रूफ भी एक तरह से उनका आ जाएगा हमारे पास। तो हमने इससे पहले क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल के पार्टीशन फंक्शन बनाए थे। अब हम क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में देखने वाले हैं। तो उसके में हमने कल पढ़ा था बुनियादी चीज जो उसे रिप्रेजेंट करेगी क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, वो डेंसिटी मैट्रिक्स का हम सहारा लेने वाले हैं। तो देखते हैं सारा मामला क्या है। तो डेंसिटी मैट्रिक्स हमारी मेन टॉपिक होगी इन माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो एंसेंबल है एन स्टेट ऑफ सिस्टम वाला है, तो हम कहेंगे साई अल्फा बराबर है अल्फा बराबर 1 2 3 एन, यानी एन स्टेट्स हैं आपके पास। अगर मैं कहूं सिस्टम क्लोज्ड है, आइसोलेटेड है, तो आप कहोगे कि इस जो वेव फंक्शन है इसको हम ले सकते हैं आइगन फंक्शन के तौर पे, एनर्जी आइगन फंक्शन के तौर पे। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। फिर एच साई अल्फा बराबर आ जाएगा ई अल्फा साइन अल्फा के तौर पे। हमने कल का जो दिन गुजरा टाइम डिपेंडेंस एनर्जी मैट्रिक्स निकाली थी, हमने उसके लिए टूल बनाया आयोटा एच कट पार्शियल रो व पार्शियल टीम माइनस रो एच कट। अब यहाँ पे आपके पास डेंसिटी मैट्रिक्स है और हैमिल्टोनियन है, तो हमने कहा अगर सिस्टम इंडिपेंडेंट है, कंजर्वेटिव का कंसेप्ट लिया था, तो पार्शियल रो व पार्शियल टी इक्वल टू जीरो था, तो आपके पास ये ब्रैकेट भी इक्वल टू जीरो आ जाएगी। इसका मतलब रो और एच कम्यूट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे डेंसिटी मैट्रिक्स जो आपके पास रो है ये एसोसिएटेड है सम कांस्टेंट ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम के। तो अगर मैं कहूं वो फंक्शन एच है, हैमिल्टोनियन है, तो आप लिखेंगे रो इंटू रो एच, यानी फंक्शन के तौर पर जाहिर कर दिया। आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं एच की सीरीज के तौर पर, वो आगे चल के करेंगे भी। तो जो कल डेंसिटी मैट्रिक्स हमने कहा था, हम अगर हम कहें कि एनर्जी आइगन फंक्शन एज अ बेसिक वेक्टर लेते हैं, तो आप लिखेंगे कि रो एन एम बराबर है आप कंजुगेट रो एच साई एन डी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रो एच को हम चूज करें एच की सीरीज में, जैसे मैंने कहा था, तो आपके पास रो एच बराबर आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब इक्वेशन वन जो आपके पास है, दिस वन, इसको हम लिख सकते हैं फिर किस तौर पर, रो एच साई एन और रो ई एन ओवर साई एन के तौर पे, ठीक है। अब यही चीज हम लेके इक्वेशन थ्री में प्लेस करते हैं। तो इक्वेशन थ्री में ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया मेजेंडा कलर में, रो एच साई एन, उसकी वैल्यू यहां से उठाई जा सकती है, वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। अब रो ई एन बाहर निकाल देंगे, बाकी ये सारे चीज आपके पास डेल्टा एन एम के बराबर आ जाएगी। अब ये नॉर्मलाइजेशन है ना बुनियादी तौर पे, तो नॉर्मलाइजेशन वन आएगी अगर एम और एन बराबर हो गए, जीरो आ जाएगी अगर एम और एन बराबर नहीं है, बात समझ गए। तो अब ये बहुत बुनियादी इक्वेशन हमारे पास है। तो एनर्जी आपके पास आप कह सकते हैं डायगनल मैट्रिक्स है, यानी एनर्जी लैंग्वेज में कि एक डायगनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, तो रो ई एन जो आपने ये बाहर निकाला था, ये प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, कि आपने वो जो आइगन वैल्यू ई एन की वो ऑब्जर्व करनी है। अगर मैं ये मेजरमेंट सिस्टम पे करता हूं एट रैंडम एंसेंबल में, यानी कि सिस्टम के अंदर एट रैंडम मैंने एक मेजरमेंट की है, तो हम कहेंगे कि रो ई एन ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये ओमेगा एन के बराबर है, ठीक है। अगर हम कहें डी जनरेट लेवल है, तो एन बराबर होगा एन वन एन टू अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है रैंडम जो है। तो आपके पास इसका मतलब तमाम जो बुनियादी स्टेट्स हैं उनकी सेम प्रोबेबिलिटी लाइक आ रही है। तो इसका मतलब ओमेगा एन वन भी हो सकता है, ओमेगा एन टू भी हो सकता है, तमाम की प्रोबेबिलिटी हो सकती है जो इसकी वैल्यू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि जो आपकी सिस्टम की एनर्जी ई है जिसे आप देख रहे हो, वो बहुत स्मॉल रेंज के अंदर है, ई डेल्टा ई प्लस ई वेरी वेरी लेस देन ई के, यानी डेल्टा ई इंतहाई स्मॉल है, ठीक है, चेंज इन एनर्जी जो आप देख रहे हो। तो आप इसे सुपरपोजिशन ऑफ यानी वेक्टर्स के लिहाज से देखेंगे, ई एम जो हमारी आपके पास आइगन वैल्यू एनर्जी है वो लेस होगी, वो इस रेंज के अंदर आ जाएगी, यानी सेट ऑफ एनर्जी के अंदर आ जाएगी। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल अगर हम देखें, तो वो क्लोज्ड और आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, जिसमें ना एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ना आपके पार्टिकल एक्सचेंज हो सकते हैं। तो आपके पास रो एन एम बराबर आएगा ओमेगा एन और डेल्टा एन एम। अब डेल्टा एन एम भी आपको नॉर्मलाइजेशन का पता है कि वन होगा अगर एम और एन बराबर हो गए, अगर बराबर ना हुए तो जीरो होगा। और ये प्रोबेबिलिटी भी अब आपको पता है, दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे एक तरह से मेंशन कर दी। तो रो
ई एन की जगह हम ओमेगा एन लगा सकते हैं, वो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे। और आपके पास जैसे मैंने कहा कि अब नॉर्मलाइजेशन के लिहाज से अगर आप सोचे तो 1/σ आपके पास अगर उस एनर्जी रेंज के अंदर हुआ, अदरवाइज जीरो हो जाएगा, तो आपका डेल्टा ई इंतहाई कम है। यहाँ पे ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बेसिक स्टेट्स जो उस ई एन के साथ बिलोंग करेंगी, जो इस एनर्जी रेंज के अंदर है, ठीक है, उन नंबर ऑफ बेसिक स्टेट्स के बारे में बताएगा। तो अगर नॉर्मलाइजेशन है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन 8 आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है, ये आप बता रही है कि आपके पास सिस्टम अगर नाउन एनर्जी के अंदर है तो जो तमाम हमारी बेसिक स्टेट्स हैं वो एक मखसूस एनर्जी ई एन के साथ होंगी, जो इस एनर्जी रेंज के अंदर होगा विद सेम प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास कहलाता है पासुलेट ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी के तौर पे। बात समझ गए, सादा सादा लफ्जों में ये है कि मखसूस एनर्जी रेंज के अंदर जो आइगन वैल्यू आएगी, हमारी तमाम बेसिक स्टेट उसके साथ बिलोंग करेंगी, तो उन उनकी प्रोबेबिलिटी उस मखसूस एनर्जी के साथ, उस आइगन वैल्यू के साथ बिलोंग करने की इक्वल इक्वल होगी, ठीक है। जितनी भी वो स्टेट होंगी वो एक मखसूस जो आइगन वैल्यू के साथ बिलोंग करने की उनकी प्रोबेबिलिटी सेम सेम है, ठीक है। ये चीज आपकी कहलाती है पास्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा पास्टुलेट जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आता है वो है पास्टुलेट ऑफ रैंडम फेज। अब ये जो आपने इक्वेशन 7 थी मेरे ख्याल में, यस दिस वन, इसमें क्या था कि हमने कहा था कि भाई आपके पास अगर डी जनरेट लेवल है, तमाम लेवल जो आपने लिखे थे उनकी सेम प्रोबेबिलिटी थी, आपने उसे इक्वेशन 7 से रिप्रेजेंट किया था। तो अगर मैं कहूँ इसमें जो कांस्टेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो आप उसे किस तौर पर लिखेंगे, सी एन अल्फा ए एन अल्फा ई की पावर योटा थीटा एन अल्फा के तौर पे। यहाँ पे ए एन अल्फा क्या है, रियल नंबर है, और थीटा एन आपके पास अल्फा जो है वो आपके पास क्या है, फेज एंगल है। अगर आप डेंसिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सोचते तो ये डेंसिटी मैट्रिक्स का टूल है जो कल हमने बनाया था, इसमें ये सी एन एक्सपेंशन कॉन्स्टेंट थे जिनके बारे में बात हो रही है। तो अब आप उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, ए एन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा स्टेरिक के साथ, ये ए एम के साथ है, ये ए एन अल्फा है, और ई की पावर योटा थी आपके पास आ जाएगा, एक है एन अल्फा के साथ और एक है थीटा एम अल्फा के साथ। अब चूंकि रियल है, हमने पहले कह दिया कि ये रियल है, तो आप स्टेरिक को उसी के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से स्टेरिक खत्म कर दिया, ई की पावर योटा थीटा एन और माइनस थीटा एम को ओपन कर दिया कॉज और साइन के टर्म के अंदर, तो सूरत में लिखा जा सकता है। अब जो आपके पास यहाँ से इक्वेशन 8 अगर जो हमने पढ़ी थी, दिस इज इक्वेशन 8 जिसमें हमने कहा था ये वैल्यू 1/σ के बराबर आएगी, ये होल्ड करेगी, एग्री करेगी तभी अगर, यानी हमारा कांस्टेंट भी इसके साथ एग्री करेगा ये जो हमने लिया है, तो आप कहोगे कि आपके ये इक्वेशन ए जो है ये डायगोनल होगी, मस्ट होल्ड करेगी, तो आपके पास जो आपके डेंसिटी मैट्रिक्स है वो क्या होगा, डायगोनल होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि हमने ये जो इक्वेशन बनाई है इसे रिड्यूस करना है यहां तक, डेल्टा एन एम यानी वो जो आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तक लाना है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो इसके लिए ये जो फैक्टर है इसके साथ में इसको बराबर होना चाहिए, एम और एन बराबर ना हो तो ये तब ये रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये बराबर ना हो तो इसका मतलब ये रैंडम है, रैंडम हो गया, साइन और कोसाइन को जब आप ओपन करोगे उसकी टर्म को तो वो एवरेज वैल्यू उसकी जीरो आ जाएगी, तो ये आपके पास एन एम और एन हमने पढ़ा था कि जब बराबर नहीं होंगे तो ये जीरो ही आएगा आपके पास, तो इस केस में इनके लिए कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो ये पास्टुलेट आपका रैंडम फेज कहलाएगा। तो ये दो पास्टुलेट थे जो आपके पास बेसिक्स पास्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहलाते हैं। अब कैनोनिकल एंसेंबल की अगर हम बात करें तो जो बेसिक चीज बन चुकी है हमारे पास, रो एन एम बराबर है ओमेगा एन डेल्टा एन एम के तौर पे, आप इसकी जितनी पॉसिबल जो स्टेट्स हैं उसको लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस ई एन ओवर के टी, और तमाम यानी एक एवरेज का कंसेप्ट लेके लिख दिया, डेल्टा एन एम के तौर पे आपने ले लिया। अब आपके पास अगर हम एक्सपेंड करते हैं, ई की पावर माइनस एच ओवर के टी को एक्सपेंशन सीरीज में ले ली, सीरीज को आप सादा सादा लफ्जों में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समेशन एन जीरो से इन्फिनिटी ली है, 1/n माइनस एच ओवर के टी की पावर एन, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, सो ऑन सो चलती जाएगी, ठीक होगी बात। तो आपके पास अगर हम कहें कि इक्वेशन 1 को स्टैटिस्टिकल लिहाज से जो हमने शुरू में लिखी है, ई की पावर माइनस एच ओवर के टी साई अल्फा बराबर होगा ई की पावर माइनस ई अल्फा ओवर के टी साई अल्फा, तो आप क्या करोगे, जो डेंसिटी मैट्रिक्स है वो एच का फंक्शन है, हमने शुरू में तय कर लिया था, तो रो एच कैनोनिकल के लिए आ जाएगा ई की पावर माइनस एच ओवर के टी,
और डिवाइडेड बाई ट्रेस ई की पावर माइनस एच ओवर के टी। अब ये जो नीचे चीज आई है ये आपकी डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन के तौर पे आ जाएगी। ये पार्टीशन फंक्शन है, यानी जो नीचे अगर आप देखो तो जेड ने किसकी जगह ली है, ट्रेस माइनस ई की पावर माइनस एच ओवर के टी की। अगर आप इसको इस पैटर्न पे लिखो तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। समेशन ई की पावर माइनस एच ओवर के टी, समेशन अल्फा को बाहर रख के नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन उसके साथ लगाई तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस ई अल्फा ओवर के टी के तौर पे आ जाएगा। तो अगर आपको H मालूम है तो आप कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड कैनोनिकल भी इसी सोच पे सारा हल नहीं करते, उसी तौर पे देख लेते हैं कि रो H ग्रैंड कैनोनिकल के लिए E की पावर माइनस एन म्यू केमिकल पोटेंशियल है, H आपका हैमिल्टोनियन है और KT है, ट्रेस E के साथ आ जाएगा। तो ये जो ग्रैंड आपके पास Z जो पार्टीशन फंक्शन होगा ग्रैंड कैनोनिकल का वो बराबर होगा ट्रेस E की पावर माइनस एन म्यू माइनस एच ओवर KT के तौर पे। तो ये हमारा टूल था, हमने तीनों पार्टीशन फंक्शन भी देख लिए, हमें पता चल गया कि भाई आपके पास ज्यादा डील कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल के साथ ही करेगा, उसमें तो इक्वल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।